हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू डायनेमिक्स ट्यूटोरियल्स। और आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे आप सिंपल स्टेप्स में अपनी पिक्चर को दे सकते हैं 3D ग्लिच इफेक्ट बाय यूजिंग ब्लेंडिंग मोड्स। सो हाउ वी गोना डू दैट, फॉर दिस लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो ये है हमारी पिक्चर जिसे हमें देना है 3D ग्लिच इफेक्ट। सबसे पहले मैं इस पिक्चर को डुप्लीकेट कर रही हूँ और नीचे वाली लेयर को हाइड कर रही हूँ। हम इसे रीनेम करेंगे रेड। आप पिक्चर पर डबल क्लिक करके उसका ब्लेंडिंग ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर आप सीधा लेयर्स पैनल के नीचे एफएक्स ऑप्शन यानी इफेक्ट ऑप्शन में ब्लेंडिंग ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 3 कलर चैनल्स मिलते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो यहाँ पर हमें इस लेयर को सिर्फ रेड कलर देना है, तो मैं ग्रीन एंड ब्लू की लेयर को ऑफ करूँ। क्लिक ओके। इसके बाद हम इस लेयर को डुप्लीकेट करेंगे और इस लेयर को हम नाम दे रहे हैं सियान। लेयर पर डबल क्लिक करके हम इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस को देख सकते हैं। और अब मैं ग्रीन और ब्लू को ऑन कर रही हूँ और रेड को ऑफ कर रही हूँ। यहाँ पर आप प्रीव्यू विंडो में अपनी इमेज का कलर भी देख सकते हैं जो कि सिमिलर टू सियान है। तो आप यहाँ पर रेड की लेयर को ऑफ करने के बाद देख सकते हैं सियान पिक्चर। अब हम इसको दोबारा डुप्लीकेट करेंगे और इसे नाम देंगे ग्रीन। अगेन सेम स्टेप्स के साथ लेयर पर डबल क्लिक करके हम यहाँ पर रेड और ब्लू को ऑफ कर देंगे एंड प्रेस ओके। इसके बाद हम अपनी सारी लेयर्स को ऑन करेंगे, रेड, सियान, ग्रीन एंड द ओरिजिनल इमेज। यहाँ पर आप एरो की के साथ अपनी पिक्चर को मूव कर सकते हैं राइट या फिर लेफ्ट। यहां पर मैं अपने पिक्चर में लेवल्स ऐड कर रही हूं ताकि मैं पिक्चर को और डार्कर बना सकूं। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड ऑल्सो स्मैश द सब्सक्राइब बटन।